स्वागत है हकीम साहब। धन्यवाद। हकीम साहब, आज मैं आपसे ऐसा एक प्रश्न करना चाहूंगी, शायद वो लोगों के लिए एक भ्रांति ही होगी, क्योंकि हमारे पास कुछ कॉलर्स की जब कॉल आई, उन्होंने कहा कि हमारी नाक की हड्डी बढ़ गई है। डॉक्टर ने कहा है कि आपको जो दिक्कत परेशानी नाक के साथ चल रही है, वो आपकी हड्डी बढ़ने के कारण चल रही है। लेकिन हमने ये भी सुना है आपके मुँह से कि हड्डी तो नाक की बढ़ती ही नहीं है, तो इसी के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। शैलजा, कई बातें ऐसी हैं जो होती नहीं है, जी लेकिन कहते हैं जी और अपने अपने तजर्बे हैं। डॉक्टर्स जी के तजर्बे अलग हैं और वैद्य और हकीमों के तजर्बे अलग हैं। हकीमों का मानना है कि ये नाक की हड्डी या एड़ी की हड्डी नहीं बढ़ती, और जिनको भी नज़ला रहता है या जो ठंडी प्रवृत्ति के सर्द मिजाज के मरीज हैं, उनका होता क्या है कि हमारे नाक में ग्लैंड्स हैं जो सर्दी होने के साथ साथ वो फूल जाते हैं और सांस लेने में दिक्कत होती है। आपने भी देखा हो कि हम इस करवट में सो रहे हैं तो ये नाक बंद हो गई और ये खुल गई, और फिर इधर को करवट ली तो ये नाक खुल बंद हो गई और ये खुल गई। तो जाहिर है कोई ऐसी चीज़ है जो छोटी बड़ी होती है, वो ग्लैंड्स होते हैं। तो वो काट के निकाल भी देते हैं एक ग्लैंड्स को, लेकिन परेशानी फिर भी रहती है। अगर ऐसे लोग जिनको ये कहा गया नाक की हड्डी बढ़ गई, अगर 5-6 महीना यूनानी इलाज करें तो इसमें फ़ायदा मुमकिन है। तो बिल्कुल दर्शकों, ये आपकी समझदारी है कि आपको क्या समझना है, क्या बात आप लोगों को सही लगती है। लेकिन हम तो साफ ये कहते हैं, कोई नाक की हड्डी नहीं बढ़ती है, सिर्फ जो प्रॉब्लम आपकी नाक के साथ चलती है उसका उपचार आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप ठीक हो सकते हैं और कौन से वो नुस्खे हो सकते हैं, ये सारी बातें आप लोग जानते हैं जब आपकी कॉल लगती है हकीम साहब के प्रोग्राम में, यानी कि सेहत और ज़िंदगी में। आप लोग लाइव उनसे बात कर सकते हैं, फ़ोन उठाना है, नंबर्स पर कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। हकीम साहब कॉलर जुड़ गए, बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो जी, हकीम साहब से बात कर रही हूँ। जी 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 फरमाइए। जी, अभी मेरी बेटी है 30 साल की, उसके हड्डी बोन में ट्यूमर बना हुआ है। शुगर बढ़ा हुआ है? ट्यूमर 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 नहीं, ट्यूमर ट्यूमर। कहाँ अच्छा पर? ठीक है, पेल्विक बोन, बॉन में। देखिए, आपको उनकी रिपोर्ट शेयर करनी होगी। हेल्पलाइन नंबर पर बात करें, वो व्हाट्सएप नंबर आपको देंगे और उस पर आप रिपोर्ट उनकी शेयर करें ताकि हम उनकी कोई मदद कर सकें। बिल्कुल हकीम साहब, बात करें कलौंजी के नमक के बारे में, तो ये और किस किस बीमारी में हमारे लिए लाभप्रद हो सकता है, जानना चाहूंगी। कलौंजी का नमक, दरअसल एक तो ये कि नमक नहीं होता, जी नमकीन नहीं होता। लोग ही समझते हैं ब्लड प्रेशर वाले के नमकीन होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जी गया, तो वो जी नमक ही नहीं होता, बल्कि ये रसायन कहते हैं हिंदी में। जी और इस रसायन में जैतून और कलौंजी के रसायन होते हैं, और हर चीज़ का रसायन आता है, तो उसमें अपनी दवा से 50 गुना या 100 गुना तेज़ असरात होते हैं, और इनसे दवाएं बनती हैं। तो क्योंकि इसकी क्वांटिटी पोटेंसी बहुत कम होती है, यानी आधा ग्राम, अगर आप 1/2 किलो जैतून खाओ तो जितना लाभ आपको होगा उतना आधा ग्राम उसके नमक खाने से आपको लाभ होता है। ये रसायन ही हैं जिनको निकालने के बाद दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो जो जिस ताल्लुक से ये रसायन लेता है उसको तेजी से फायदा मुमकिन है। जी इसी के साथ कुछ और कॉलर्स जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। कमलेश हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। जी, दर्द दिखाने की प्रॉब्लम जी बोलिए। हाँ हेलो, हाँ जी हाँ जी, वो सिर दर्द बारे पूछना, जब सिर दर्द है और कान नहीं रहती है, उसमें दर्द रहता है। मेरे मतलब भी मदरिंग लोग देखती, जी, सिर में दर्द रहता है? हाँ जी, सिर में दर्द रहता है उनके, और कान में चावजा रहता है। एज क्या है उनकी? नींद भी कम आती है उनको। उम्र क्या है उनकी? उम्र 60 साल। जी
देखिए ऐसे रोगी को चाहिए कि दिन में 2-4 मिनट गर्दन की एक्सरसाइज करें, और गर्दन की एक्सरसाइज में ये वाली देखिए, मोंडा नहीं उठे, कान वहाँ तक जाए, ऐसे 3 मिनट करें, और ऐसे 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 3 मिनट। अच्छा, एक एक मिनट करके करें, 3 मिनट एक साथ कोई नहीं कर सकता, और घड़ी देख कर करें ताकि हम पूरा वक्त एक्सरसाइज कर सकें। ऐसा करने से इनको 10वें दिन फ़ायदा, अच्छा फ़ायदा नज़र आएगा, और हो सकता है दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़े, और उसके बावजूद भी दवा की ज़रूरत पड़े तो नींद भी नहीं आती इन्हें और दूसरी भी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए ये सिरका आता है, एलोवेरा का सिरका, जूस नहीं सिरका, ये 3 चम्मच एक गिलास पानी में मिलाकर अपनी सास को पिला दिया करिए, आप देखेंगे उनको नींद भी अच्छी आने लगी और तकलीफ भी जाना मुमकिन है जी। रोशन कुमार यूपी से, स्वागत है रोशन जी। नमस्कार सर जी। हाँ जी नमस्कार, बताइए जी। हम यूपी से बोल रहे हैं। मेरा 1 साल पहले टीबी हुआ था जी। तो 4 महीने पहले मेरा मतलब हाथ में टीबी हुआ था, बड़ी हाथ में, तो दवा बंद हो गई। उसके बाद मेरा मतलब पाचन शक्ति, गैस उस बॉडी का जो वेट लॉस हुआ वो रिकवरी नहीं हो रहा है जी। कितनी उम्र है अभी आपकी? मेरी उम्र 42 वर्ष है करीब लगभग। ठीक है। अच्छा देखिए, टीबी का अगर इलाज ये देखना है कि उससे हमें फ़ायदा पहुंचा, तो उसमें वेट गेन होना ज़रूरी है, ये निशानी है कि हमारा इलाज सही हुआ। और अभी भी अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर करें, और मैं आपको एक दवा बताता हूँ, देखिए वो खाया करें, और वो अभी तो नहीं मिलेगी, अभी तो उसका मुरब्बा मिलेगा, बेल पत्थर आप जानते होंगे, आप यूपी के, बेल पत्थर यूपी वाला तो जानता ही है, हम भी यूपी वाला हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ, बेल पत्थर जब ताज़ी आए तो उसे खूब खाया करिए, और खाएं जितना उससे ज़्यादा पानी पिया करिए, इससे आपको सेहत हो सकती है। फिलहाल आपको इसका मुरब्बा मिलेगा, बेल पत्थर का मुरब्बा भी मिलता है जो जायके में मीठा होता है, 1 कतला रोज़ाना सुबह 1 शाम खाया करें, इससे भी आपकी सेहत और आंतों को बड़ी ताकत मिलती है। और अगर उसके बावजूद भी आपकी परेशानी नहीं जाए तो फिर जैतून का नमक आता है, वो आप 1/2 ग्राम पानी में मिलाकर पी लिया करें दिन में 1 बार, इससे भी आपको फ़ायदा मुमकिन है। हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। जी सुमन जी, कहाँ से बात कर रही हैं? पटना बिहार से बात कर रही हूँ। ठीक है, आपका सवाल? मेरे पति हैं, इनकी उम्र 50 वर्ष है। ठीक है। उन्हें जो है 5-6 वर्ष से पूरे सिर से ऐसा लगता है कि सिर से कुछ तरल पदार्थ मुंह तक आता है ना, और मुंह तक आने पर ऐसा लगता है दोनों जबड़ा बैठ गया, तो वो क्या करते हैं फिर मुंह चलाते हैं, है ना, यही मतलब प्रतिदिन ऐसा ही होता है। इसके लिए बहुत जांच करवाया, जांच में कुछ नहीं निकला, सबका जांच कराया कुछ भी नहीं निकला, तो थोड़ा वो कुछ उपाय है, कुछ दवा है तो बता दीजिए हकीम साहब को। ठीक है। हाँ देखिए, बहुत ख्याल रखिए उनका, और एक एक्सरसाइज अगर वो पतिदेव आपके देख रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप बता देना कैसे करना है। देखिए ये कान इससे मिलाना है, रोज आना 5 मिनट ऐसे करना है, मोंढा वहीं रहे और कान जाए यहाँ पर, ऐसा 5 मिनट करना है, 1-1 मिनट करके 5 बार कर लें, एक साथ कोई नहीं कर सकता, और एक ऐसे 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 रोज़ाना 5 मिनट ये करना है, चाहे 5 बार में करें 10 बार में करें, ये एक्सरसाइज आज से शुरू करा दें उन्हें। और एलोवेरा का सिरका 3 चम्मच रात को पानी में मिला के उन्हें 1 बार ज़रूर पिलाया करें, तो उनको फ़ायदा मुमकिन है।
तो बिल्कुल देखिए, आपके पति के साथ जो परेशानियां चल रही हैं और जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो आपको ये नुस्खे अपनाने हैं जल्द से जल्द। अगर कोई भी रॉ मटेरियल मिलने में दिक्कत परेशानी होती है, मार्केट में नहीं मिल पाता है, तो आप उसके लिए हकीम साहब की कंपनी से भी मंगवा सकती हैं। तुरंत आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, हर एक डिटेल में बात आप वहाँ पर कर सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर दर्शकों हमारे सारे डॉक्टर्स की एक्सपर्ट पूरी टीम बैठी हुई है जो आप लोगों की बहुत मदद करती है। यहाँ पे समय का अभाव होता है, बहुत सारे कॉलर्स होते हैं, बात नहीं हो पाती है, तो तभी आप लोगों से कहा जाता है टीवी का वॉल्यूम कम करके बात कीजिए, अपना सीधा रोग संबंधी प्रश्न कीजिए, नुस्खे जानिए। बाकी दर्शकों, लाइव कार्यक्रम चल रहा है, फोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए अगर आप लोग लाइव हकीम साहब से बात करना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं। इसी के साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। जी स्वागत है आपका। हेलो हेलो जी, बोलिए, सवाल करिए, नाम बताइए। कान में सीव आते हैं। क्या आता है? कान बहता है, कान बहता है, कान बहता है। हाँ जी। कितनी उम्र है कान बहने वाले की? 68। अच्छा, कितने दिन से बहता है? ये तो दो साल से हो गए लगभग। नजला खांसी रहता है क्या? नजला वगैरह रहता है? हेलो, उनको खांसी, नजला, कफ। साल क्या आपको? जी 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 जी, नजला खांसी जुखाम रहता है क्या? हाँ जी जी। हाँ देखिए, जिनको भी खांसी, नजला, जुखाम रहता है उनको उसका इलाज करना चाहिए, जिनका भी कान बहता है और खांसी, नजला, जुखाम रहता है। तो जैसे ही आपका ये मर्ज ठीक होगा, कान बहना बंद हो सकता है। इसके लिए आप सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम लेकर इसमें 30 ग्राम पीपले मिलाकर पाउडर बनाएं और एक चम्मच रोज़ाना सुबह निहार मुख आप गर्म पानी से लिया करें। खट्टी चीज़ें छोड़ना अनिवार्य है। जी, अगले कॉलर हैं भोपाल से, राधा हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्ते जी। नमस्कार। नमस्ते मैम। हाँ जी बोलिए। मुझे ना 8-10 साल हो गए मैम, जुकाम बना रहता है मुझे। जुकाम रहता है? हाँ, 12 महीने रहता है मेरा जुकाम। ये जी ठीक है, मैं ना वो दवाइयाँ ही खाती रहती हूँ, वो सिट्रीजन एलर्जी की, क्योंकि मैंने इलाज तो बहुत करवा लिया लेकिन मुझे आराम ही नहीं मिलता, और आयुर्वेदिक का करवाया तो उससे ना और बढ़ जाता है मुझे। ठीक, एक तो बच्चा आपको खट्टी चीज़ें छोड़नी होंगी, बाहर की चीज़ें, खट्टी चीज़ें, ये ज़रूरी है, और 5 बार गर्म पानी पीना होगा, और माजून आर केयर सुबह और शाम, सुबह खाली पेट यानी निहार मुझे से कहते हैं, और रात को सोते समय 5-6 महीने अगर लगातार आप लेते हैं तो इस रोग से निजात मिलना मुमकिन है। जालंधर से हमारे साथ श्याम लाल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार, सवाल करिए अपना। हाँ जी, मुझे है ना एक बीपी की प्रॉब्लम है जी। बीपी की मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उसके गोली के खाने से मुझे नॉर्मल 140-90 होता है बीपी। एक नंबर दो, मुझे प्रॉब्लम है मेरी लत्ता, गोडे और पैर, इनमें एक तो दर्दों का होना नंबर वन, नंबर दो इनका भारीपन आना, सिर में भी भारीपन रहता है। ठीक है ठीक है। इस टाइम ज्यादा, इस टाइम इनका भारीपन और सिर का, और साथ में लत्ता बोलते पैरों में दर्दों का होना, जैसे मैं पौड़ी चढ़ता हूँ बैठ उठता हूँ गुड्डे में दर्द हो। ठीक है ठीक है। आइए बताइए, आपके दांत हैं क्या? आपके पेट पेट में है ठीक है ठीक है। आप ये ठीक है ठीक है, स्वामी जी ये बताइए, आपके दांत हैं या अभी गिर गए? नहीं, दांत अभी 2-4 दाड़े मेरी खराब हुई हैं, वैसे ज्यादा दांत है, मतलब खाना चबाने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं, चल जाता है मेरा काम, चल रहा है। ठीक है। 2-4 दाड़े खराब है, वो आप ही टूट गई हैं, आधी आधी हाफ हाफ टूट गई हैं, मतलब
ठीक है ठीक है। हाँ, जो जैतून के सिरके का आपने जिक्र किया वो आप ले सकते हैं दिन में एक बार या दो बार, तो ये आपके पेट का बड़ा ख्याल रखता है, एसिडिटी का, किडनी का, लीवर का और डायबिटीज़ को भी एक स्तर पर रोक के रखता है। जैतून का सिरका दिन में एक बार या दो बार ले सकते हैं, लेकिन जब आपको दर्द भी है तो उसके लिए आधा आधा ग्राम गोंद स्याह लें, काला गोंद आता है, और ये आधा आधा ग्राम दिन में एक बार या दो बार लें, और ये 100 ग्राम भी खरीद लेंगे तो ये अपने ख़त्म होते होते आपके सारे दर्द को ख़त्म करना इसका मुमकिन है।